शिव के मुख से सुन के वचन ये तुम सबका होगा मन मंथन। सुर असुरों द्वारा विदुनावश आरंभ हुआ सागर मंथन, सागर मंथन, सागर मंथन, सागर मंथन, सागर मंथन। सबसे पहले कालकूट विषधुम्र रूप में निकला, जिसके फैलते ही सुर असुरों संग मानव मन विचला। क्षण भर में ही तीन लोक में मच गया हाहाकार, शिव शंकर तब हुए परस्तुत सुन के करुण पुकार। देवी सती, ये विष इस सृष्टि का नाश कर देगा, उसे सर्वनाश से बचाने के लिए हमें इस विष का पान करना पड़ेगा। फिर शिव के संकेत से नभ में कुंभ हुआ एक उत्पन्न, उसमें समाया तरल रूप में विष होके परिवर्तन। विष पी के उस कंठ में रोका धीरे से मुस्काए, विष पी के उस कंठ में रोका धीरे से मुस्काए। शंकर नीलकंठ कहलाए, हुई तब कमल आसना विष्णु निकट बुआई। पति मान लक्ष्मी ने उनको वरमाला पहनाई। विष्णु प्रिया श्री लक्ष्मी ने तब धन वैभव बरसाया, उनके दर्शन कर मन ही मन जनमानस हर्षाया, जनमानस हर्षाया, जनमानस हर्षाया। कौस्तुभ मणि श्री विष्णु जी के कंठ की आगे शोभा बनी, सेनापति राहु ने देखा क्रोध से उसकी धुकती तनी। कामधनु परिजात रावत उच्च शिवा कर शोर, लंबा अप्सरा सखियों के संग चली स्वर्ग की ओर। नैया भाले चंद्र जो निकले शिव की शरण आए, भोले बाबा शिव शंकर तब चंद्र मौली कहलाए, चंद्र मौली कहलाए। शारंग धनुष जो निकला तो विष्णु जी के कंधे विराजा, शंख बिकरता शंखनाद विष्णु जी के कर में साजा। निकली सुरा तो पी असुरों ने झूम के सब इतराए, अमृत कुमले धन बनकर निकले उनकी तरफ सब धाए।